खुदा के बाद जमीन पे ख्याल रखती है। मामी, मामू जान को क्रिकेट का बहुत शौक था ना? बहुत। जवानी में तो जुनून था, सारा वक्त टीवी से जुड़े बैठे रहते थे। तो इसका मतलब फिर ज़ियान को फिर उन्हीं से मिला है ना? होता है भाई, कुछ असर तो आएगा। और बेटे? ज़ियान, बेटी यहाँ क्या कर रहे हो? वो चाचू और दादू का वेट कर रहा हूँ। कहाँ गए हैं वो लोग? वो लोग बैंक गए। अच्छा, कौन कौन गए? चाचू, पप्पू और दादू। अच्छा, लगता है बहुत बिजी थी जो फोन इतनी देर से उठाया। नहीं, आपके बारे में सोच रही थी, फोन पे ध्यान नहीं गया। मेरी इतनी याद आ रही है तो मैं फोन से निकल कर आ जाऊं? आए, कमाल हंसी आपकी। जी चाहता है इन लबों पे कभी उदासी ना आए। गाड़ियां बेचने के साथ साथ आप शायरी भी अच्छी कर लेते हैं। नहीं, लेकिन आपसे मिलकर करने लगा हूं। पूछेंगी नहीं क्यों? पूछूंगी, लेकिन पहले कुछ बताना चाहती हूँ। बताइए। खलील साहब, आई एम डिवोर्स्ड। मैंने सोचा कि इससे पहले नींद में आपके कदम आगे बढ़े, आपको जगा दिया जाए। अरे, जाग तो मैं तभी गया था जब आपसे मुलाकात हुई थी शीना। उस दिन मैं आपसे मुलाकात करने आया था, गाड़ी देने नहीं। गाड़ी तो मैं किसी भी मुलाजिम के हाथ भिजवा सकता था। जानती हूँ। तो फिर? तो फिर गाड़ी मेरे पास है लेकिन घड़ी वाली पास नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि गाड़ी चलाना सीखेंगी या मुझे ड्राइवर बनाने का इरादा है? जी। तो फिर मैं पक्का समझूं? क्या? यही कि आप गाड़ी सीखना चाहते हैं? आप सिखाएंगे मुझे गाड़ी चलाना? बिल्कुल सिखा देंगे, मौका तो दें। मौका मांगा नहीं जाता खलील साहब, बनाया जाता है। चलें फिर वही बना लेते हैं। आज शाम आपकी ड्राइविंग क्लास है, मौका भी है, दस्तूर भी है, मिस मत कीजिएगा। गाड़ी निकल गई तो फिर बहुत देर हो जाएगी। समझ नहीं आता आखिर रोहेल अम्मा को बैंक क्यों लेकर गया है? कहीं वो सारा पैसा अपने नाम पर नहीं कराने लगा? हाँ कुंगरू पॉन्टी, व्हाट्स अप? वासिक, रोहेल अम्मा को बैंक लेकर गया है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम कुछ करो। क्या करूं? बैंक कॉल करो और मना करो कि तुम्हारी इजाजत के बगैर बिल्कुल ट्रांसफर नहीं करें। कुछ होगा तो ट्रांसफर होगा, देयर इज नथिंग इन द बैंक। मतलब? मतलब ये कि अम्मा का कोई खास अकाउंट नहीं है बैंक के अंदर। तो फिर क्या है? आई थिंक शी हैज अ लॉकर ओवर देयर, तो आई बिलीव उसके अंदर कोई खानदानी जेवर वेवर रखे हुए हैं उन्होंने। आर यू श्योर? कोई सीक्रेट अकाउंट भी हो सकता है। कोई अकाउंट नहीं हो सकता, अब्बा मेंटेन्ड ऑल हिज बुक्स वेरी मेटिकुलसली हियर। सारे अकाउंट्स यहाँ दफ्तर में मेंटेन होते थे। ओके, लेकिन अम्मा को ज्वेलरी की क्या पड़ी इस वक्त? या निम्मी, व्हाट डू आई नो, मैं उनके झुमके बालियों का हिसाब रखता फिरूं यहाँ? चिल्लाओ मत।
Tranquilo, mi señorita. I'm sorry. I've got a meeting to attend. And I'm a little busy, so let's talk a little later. Okay? I love you. Bye. Okay, bye. आपकी सेहत ठीक रहती है? इस उम्र में ऐसे ऊपर नीचे ही रहती है बस, ठीक है। अच्छा हुआ आप आ गई हैं, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। खैरियत? हालात ऐसे हो गए मैडम कि हम इस ब्रांच से लॉकर्स की सहूलत जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। तमाम लॉकर्स जो हैं वो हेड ऑफिस मुंतकिल हो जाएंगे। इस सिलसिले में मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत थी। जब शिफ्ट हो ही रहे हैं तो इजाज़त क्या और ना इजाज़त क्या। आदत सी है इस ब्रांच की, आपसे ब्रांच से बड़ा पुराना रिश्ता है। आसिम ने ये लॉकर्स खुद खोले थे। सभी कुछ बदल रहा है मैडम। वहाँ पे जो है ना लॉकर्स की तादाद भी ज्यादा है और माशाल्लाह आपके पास गोल्ड भी है और डायमंड्स भी बहुत हैं, तो वहाँ पे आपकी जो ज्वेलरी की हिफाजत भी सही तरह होगी। ठीक है, मैं तो और जेवर लाई थी कि यहाँ जमा करा देंगे, निकलवा लेते हैं और वहीं मेन ऑफिस में जमा करवा देंगे। जी इश्फाक बेटा, ये मैडम आ रही हैं, आप इनके साथ जो है लॉकर्स तक इनको ले जाएं और इनकी चीज़ें जो हैं वो इनके हवाले कर दें, ठीक है? ओके। Tried to get inside the house, ये फिर से घुसा हुआ है। ये घर मेरा है। ये घर मेरा है वासिफ, और यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं इसका फैसला मैं करूंगी। Understood? जब से आई मेरी बीमारी में लगी, अपने घर की कोई बात नहीं की तुमने। सब खैरियत तो है ना बेटा? मम्मी सब ठीक है। बेटा मेरी बात मानो, तुम वापस अपने घर चली जाओ, अपना घर बार संभालो बेटा। कहाँ खोए भी? खोने को बचा क्या है? बहुत कुछ है मेरी नज़र से देखो, अभी बहुत कुछ है। इंसान को कुर्बत का एक तजुर्बा बहुत होता है खलील। लाजिम तो नहीं कि हर तजुर्बा बुरा हो। तुम मुझसे अपने दुख शेयर कर सकती हो? मुझे दुख नहीं है, बस एक डर है। डरो मत शीना, डरो मत। मेरे पास सब कुछ है, बस ऐसा कोई नहीं जिससे मैं अपनी जिंदगी शेयर कर सकूं। अभी तक शादी क्यों नहीं की? कोई मिला नहीं। और अब मिल गया। एक बात बताओ। पूछो। तुमने डाइवोर्स के बाद अपनी सारी सेविंग्स गाड़ी में क्यों लगा दी? अम्मी अब्बू को खुश करने के लिए। मेरे डिवोर्स के बाद वो काफ़ी दुखी हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, तो इसीलिए मैंने जेवर बचा लिया और सेविंग्स गाड़ी पे लगा दी, सोचा वो खुश हो जाएंगे। लेकिन तुमने उनसे झूठ भी तो बोला कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। झूठ नहीं बोला, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ।
और वैसे भी इतने बड़े हादसे के बाद इंसान को कहीं से तो शुरू करना होता है, मेरा खुशियों पे हक नहीं है क्या? बिल्कुल है, और इन खुशियों को मैं तुम्हारी झोली में ला के रखूंगा। कल से तुम जॉब जरूर करोगे, घर से सीधी ऑफिस आओगे, लेकिन काम नहीं करोगे, मेरे पास आओगी सीधी, सिर्फ मेरे पास, ठीक है? डन। अब खुश? उदास तो नहीं? मैं उदास कभी नहीं थी। चलें आगे। लेट्स गो। दादू, दिस इज सो ब्यूटीफुल, आपने कहाँ से लिया? ये मुझे आपके दादा जानी की मामा ने दिया था। रियली? जब मेरी शादी हुई थी। रियली? और ये कंगन कहाँ से? ये आपके दादा जानी ने दिया था। ये सारे मैं ले लूं? आप क्या करेंगे इनका? ज़यान, वाओ, ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी ज्वेलरी है। अम्मा, आप इन्हें पहनती क्यों नहीं? चले गए जेवर पहनने के दिन में। आपके अब्बा को शौक था बहुत, उनके लिए पहना करती थी। हाँ, लेकिन इतनी खूबसूरत जेवर ऐसे बैंक में बंद करना भी तो ना इंसाफी है ना। यादें जब बहुत कीमती हो तो उन्हें उतना ही संभालना भी पड़ता है बेटे। जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी होता है। काश कि हमारी भी ऐसे यादें होती, लेकिन वासिक को इन सब चीजों में अम्मा जान कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। आई होप कि अब्बा जैसी आदतें वासिक में भी होती। अब्बा जैसी एक भी आदत वासिक में नहीं है। वैसे यादें बनाना मर्द और औरत दोनों का काम होता है बेटे। यानी आपके कहने का मतलब है कि मुझ में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। मुझ में क्या खराबी है? मैंने कभी कुछ किया ऐसा जो आप ऐसी बात कर रही हैं मेरे साथ? मैं तो इस घर में बहुत बुरी हूं ना, जैसे कि बाकी सब तो बड़े पाक साफ हैं। चलो ज़यान, चलो। वैसे शीना की नौकरी और उसका बॉस जो इस दिन आया था, खटक रहा है। मतलब? मतलब ये कि सारी जिंदगी नौकरी की है, मैं बंदे को एक नजर में भांप जाता हूं। देखिए, शीना ने कुछ सोच समझ के हां की होगी, उसके लिए ना अब ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह करे तेरी बात ठीक ही हो। अरे आ गए तुम? हाय। आज बड़ी जल्दी आ गए हो। हाँ यार, वन गेट्स टायर्ड। इतनी कप है। ये लो पानी पियो। उधर आके बैठ जाओ। उधर। रिलैक्स होके बैठो वहां पे। थैंक्स डार्लिंग। वासिक, तुम्हें पता है हमसे कितना कुछ छुपाया जा रहा है, जैसे कि हम तो इस घर के सगे है ही नहीं। क्या पहेलियों वाली बातें? What is it that you're trying to say? तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, और कैसे पता हो? घर के लाडले जो नहीं हो, जो है उसे तो सब कुछ पता है। Ay, 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 qué linda mamacita. Lo siento, señorita. ¿Por qué yo no entiende? ¿Samajh aayi? Vasik, main mazak ke mood mein nahi hoon. Nahi samajh aayi na? Mujhe bhi tumhari kisi baat ki nahi samajh aa rahi. Ye dekho, saadi urdu mein samjhao na. Tumhe pata hai? Abba ne amma ko itna zevar lekar diya hai. Hame to koi puchne wala bhi nahi hai. Aur upar se wo Fatima Chudail और रोहेल को भी साथ ले गई हैं। बैंक से सारा जेवर घर ले आई हैं वो।
अब देखो सो करो, है तो पराया खून ना, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? You're right. अम्मा को she should have taken me in confidence. मुझे बताना चाहिए था. अम्मा को कहाँ ऐसे लगता है, वो तो हमेशा उनको यही लगता है कि जैसे हम उनका ना बुरा चाहते हैं. अगर कसम से इनकी जगह मैं होती ना वासिक, मैं अपने बेटे को सारा जेवर दे देती. सेहान की एजुकेशन है, उसका आगे सारा फ्यूचर पड़ा हुआ है. तुम्हारे ख्याल से अम्मा क्यों लेके आई हैं जेवर? पता नहीं भाई, लेकिन अम्मा खुद तो जेवर पहनने से रही है ना, उनकी कोई बेटी है, ये जरूर इन दोनों की कोई चाल है. मुझे लग रहा है कि ये दोनों आपस में शादी तो नहीं करने वाले. वासिक मुझे टेंशन हो रही है, फिर जल्दी से तुम पता लगाओ आखिर ये मामला क्या है. ठीक है, पता लगाता हूँ. फातमा, फातमा. अम्मा माँ पानी पी लें. आवाज नहीं आई मुझे. अम्मा, hey, what's up? कैसी हैं आप? ठीक हैं? दबा शबा टाइम पे ले लेती हैं? पता है क्या, मैं अभी बहुत परेशान रहता हूँ. कीप थिंकिंग अबाउट यू. आप जल्दी से ठीक हो जाएं प्लीज. मैं आपके पास आऊं. फिक्रमंद रहते हैं आप. हाँ बेटा हूं आपका. आपको पता भी है मुझे क्या बीमारी है? कोस मुझे नहीं पता होगा. कैसी बात करती हैं आप? डॉक्टर से पूछा आपने? हाँ, you know what? आप बता दें. Why don't you tell me? क्या हुआ है? To start with, the nerves in my legs are dead. Hmm.
Secondly, असल बात क्या है? अम्मा कहती है ना कि मैं इस घर में अपना रोल अदा नहीं करता। अब जब मैं इस घर के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये दिस इज द टोन दैट आई गेट। मैं आपका सगा बेटा हूं। I'm not adopted. रिश्ते समझते भी हैं आप? रिश्ते दो तरफा होते हैं, एक तनावर दरख्त की तरह होते हैं, छांव देते हैं, लेकिन इन्हें सींचने के लिए, इनकी जड़ें मजबूत करने के लिए बहुत वक्त देना पड़ता है। कहां दिया आपने वक्त? You see, this is exactly what I'm talking about. आपको पता भी है मेरी जिंदगी में क्या स्ट्रेसेस चल रहे हैं? क्रेडिट पे जिंदगी वहां पे गुजर रही है, मॉर्गेज कराया हुआ है घर, पेमेंट्स आ नहीं रही क्योंकि रेवेन्यू नहीं क्रिएट हो रहा, क्लब का बिजनेस पूरा ठप बैठा हुआ है, इधर के अपने मसले हैं। ये सारे मसले देखने के लिए वक्त निकाल के मैं यहाँ पर आया, आपके पास आया। वक्त निकाल के नहीं आए हैं आप, बाप मर गया है आपका, इसलिए आए हैं आप। शीना पुत्र, ओ शीना पुत्र, चल अपने कपड़े निकाल के दे, धोबी आया। यार अम्मी मैं बाद में दे दूंगी, अभी रहने दो। क्या मतलब, जब भी तुझे कोई काम करो बाद में कर दूंगी, किन ख्यालों में तू खोई हुई है? तेरा अब्बा भी ना वैसे तेरे बारे में बड़ा परेशान रहता है आजकल। वो क्यों परेशान है? एक तो कहता है मेरी छोटी सी बच्ची को इतना बड़ा सदमा, तो ऊपर से ये जो तेरी नई नौकरी है, और वो जो उस दिन तेरा बॉस आया था ना, वो भी उनको कोई खास समझ में नहीं आया बंदा। तुम उनसे कह दो ना कि इस जमाने में जो नौकरी मिल गई है ना, बहुत बड़ी बात है। मेरा बॉस भी ठीक ही है, क्या क्या खराबी है उसमें? अच्छा कपड़े देने हैं तो दे मुझे, नहीं तो फिर बाद में खुद धोती रही। बस भाई क्या बताऊं, आजकल तो किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते यार। लोग तो ऐसे हैं जो सारी जिंदगी आपके पैसों पर पलते हैं और फिर आंखें भी आप ही को दिखाते हैं। बड़े मुनाफिक लोग हैं यार, कोई आसरा ही नहीं करते यार। हाँ हाँ चलो फिर गप लगाता हूँ, ओके बाय। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। वाह वाह। अच्छी दोस्त ना सही, कजन तो हूं तुम्हारी। अच्छी दोस्त भी हो तो फिर बताओ क्यों परेशान हो? वामिक भाई की बदतमीजियां रोज बढ़ती जा रही हैं। तुम वासिक भाई से क्यों नहीं बात करते? वासिक भाई तो वैसे ही निम्मी भाभी के कंट्रोल में है। हाँ लेकिन कोई ना कोई इस मसले का हल तो निकालना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं चुप सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैं इनके गुनाहों की सजा अपने मरहूम बाप को नहीं देना चाहता। Thank you.
हमें सजा देने की तैयारियां हो रही हैं। कौन? आप देंगे सजा? ये देख रहे हैं आपने? नहीं नहीं नहीं, ये इतनी औकात है आपकी, या आप देंगी? अपनी शादी तो संभली नहीं ना, आ गई मामू के घर उनकी दौलत पे अय्याशी करने के लिए, और अब उनकी जायदाद पर नजर। अरे बुरा लगा। ओके, ये जो आपके जज्बात हैं, एहसासात हैं, ये कुर्बतें हैं, इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों, मैं सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं तुम दोनों को क्योंकि अम्मा अभी जिंदा है, नहीं तो खुदा की कसम कब तक तुम दोनों को धक्के दे देकर इस घर से बाहर निकाल दिया होता। सॉरी भाई की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हाँ खैरियत ही तो नहीं है। क्या हुआ? मैं समझी थी कि बड़ी बी के पल्ले बस शोहर का दिया हुआ ये घर है, भाई वो तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली हैं। क्यों, क्या निकल आया उनके पास से? लो, तुम्हें नहीं पता? नहीं। खूब सारा जेवर दबा कर बैठी है बड़ी बी। अच्छा, मेरे सामने तो कभी नहीं पहना। तुम्हारे सामने तो बहुत कुछ नहीं हुआ, अब आकर देखो क्या मौज मस्तियां चल रही हैं। रुहेल और फातिमा के दरमियान तो बस निकाह। आप जेवर के बारे में कुछ बता रही थी। हाँ तो मैं बता रही थी कि बड़ी भी बैंक से सारा जेवर घर निकाल कर ले आई हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, कहीं वो रुहेल और फातिमा की शादी तो नहीं। ठीक है भाभी, बाय। अब आएगा मजा। अम्मा कहती है ना कि मैं इस घर में अपना रोल अदा नहीं करता, अब जब मैं इस घर के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये दिस इज द टोन दैट आई गेट। मैं आपका सगा बेटा हूँ, आई एम नॉट अडॉप्टेड। उन्होंने मुझे कभी माफ़ ही नहीं किया, वरना कुछ ना कुछ तो छोड़ दी जाते ना मेरे लिए। मुझसे ले लीजिए। नहीं अम्मा, मैं अब्बा की बात कर रहा था। आपका और मेरा तो अलग मामला है, उस यतीम को सब कुछ देकर चले गए। ऐसा कौन सा गुनाह सरसद हो गया मुझसे मेरे मालिक, इतनी सख्त लौलाद दे दी तुमने मुझे, पैसे की हवस ने अंधा कर दिया है वे। इनसे अच्छा तो रुहेल है। नहीं, वो कहाँ जाए, इन लोगों से भी गया गुजरा है वो। एक गलती तो खुदा भी माफ कर देता है। लेकिन मैं खुदा नहीं हूं ना, मैं माफ नहीं कर सकती।
उसने पूरी जिंदगी खिदमत की है हमारी, वो अपनी गलती का मदावा करना चाहता है, बहुत पछता रहा है, अपना कफारा अदा करना चाहता है। नहीं, उसका पल पल तड़पना ही उसका कफारा है। मैं उसे माफ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं, कभी नहीं। तुम्हें कितनी दफा कहा है मुझे फोन मत किया करो। खैरियत है? ना सलाम ना दुआ। बकवास ना करो। क्या हुआ, फातिमा से झगड़ा हुआ है क्या? फातिमा? फातिमा बीच में कहां से आ गई? खैर, उसके आने जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम के सिलसिले में कॉल की थी तुम्हें। मुझे तुम्हारे साथ किसी काम में नहीं पड़ना। ऐसे ना करो, तुम जानते हो तुम्हारे और तुम्हारे मरहूम बाप की इज्जत का जनाजा निकालने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? हाँ, यही समझ लो, ब्लैकमेल कर रही हूँ। कुछ पैसों की जरूरत थी, ज्यादा नहीं, बस 25 लाख रुपए। क्या 25 लाख? क्यों, कम है क्या? मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे, और वैसे भी अब मेरे पास कुछ नहीं है। सिंपल है, ऑफिस जाओ, मेरे नाम का चेक बनवा लो बस। ऑफिस अब वासिक भाई देखते हैं। सॉरी, यार भूल गई थी, सगो ने सुतेलो को बिजनेस से बाहर निकाल दिया। देखो, मेरे पास इन फजूल बातों के लिए कोई टाइम नहीं, और मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दे सकता। तो फिर एक काम करो, अपनी अम्मी के जो जेवर है ना, वो बेच के मुझे पैसे दे दो। जेवर? कौन से जेवर? रहेल, मैं जानती हूँ तुम्हारी अम्मी ने लॉकर से सारा खानदानी जेवर निकलवा लिया था। तो 2 दिन में मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, और मुझे दोबारा कॉल ना करनी पड़े। एक बात तो बताओ, ये तुम बैंक क्या करने गई थी? वो मामी का एक काम था, वो करने गए थे। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम रोहेल के आगे पीछे घूमोगी, वो तुम्हें अपना लेगा? मामी प्लीज, ऐसी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तो ऐसी हरकतें करना पसंद है तुम्हें? कैसी हरकतें, क्या किया है मैंने? यही के सुबह शाम रुहेल के लिए चाय बनाना, उसके कमरे की सफाई करना। मैं पागल नहीं हूँ, अंधी नहीं हूँ, सब दिखता है, और किसी खुशफहमी में ना रहना। कैसी खुशफहमी भाभी? यही के वो तुमसे शादी कर लेगा, तुम्हारी उजाड़ जिंदगी आबाद कर देगा। अरे, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो तुम्हारा गया होगा। And report back to me as soon as possible. क्योंकि टाइम काफी हो गया तो। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या तुम लोगों ने वाटर कूलर चैट सेशन खोला हुआ है यहाँ पे? सर रिपोर्ट ले रहा था। कोई ऑफिस डिकोरम होता है। सॉरी सर। अकड़ देखो इसकी। भाई, जब बाप का बना बनाया कारोबार किसी के हाथ लग जाता है ना, तो फिर यही हाल होता है। जायान, आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। गुड मॉर्निंग मामा। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चाचू। गुड मॉर्निंग जायान। चाचू, आज ब्रेकफास्ट के बाद हम क्रिकेट खेलें। जयान, आज हम ब्रेकफास्ट के बाद बाहर जा रहे हैं। मगर यहाँ मेरे साथ कोई खेलता ही नहीं है। जयान, मैंने कह दिया सो कह दिया। लेकिन मामा, मुझे चाचू के साथ खेलना है। कोई चाचू वाचू नहीं, ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग बाहर जा रहे हैं, समझे? इधर आके नाश्ता करो, चलो।
जयान, अम्मा ठीक कह रही है, आपको उनके साथ ही जाना चाहिए। ठीक, चलो जल्दी आके अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो। क्या बदतमीजी है ये? मैं करूं तो बदतमीजी, वो करे तो इट्स क्रेजी। अगर तुम यहां से अपनी शक्ल लेके दफा नहीं हुए ना तो मैं। हेलो मैडम, ये मेरा घर है, जाना है तो तुम जाओ। अच्छा माइंड क्यों कर रही हो यार, थोड़ा सा टाइम दे दो, सब सही हो जाएगा। क्यों? सच में मार दूंगी, रात को सो तो जाओगे लेकिन सुबह उठोगे नहीं। अब मुझे तंग किया ना तुम। सही छुरी है, इसको नीचे करो, जाता हूं। ये तो हैरत हो रही है, आखिर हमारे घर में चोरी करने की किसी की हिम्मत किस तरह हुई? कितना जेवर था?